रोज कॉलेज आ रहा है, कॉलेज के बाहर फूक रहा है, ट्रैफिक है, आवाजाही है, फूक रहा है। एक पुलिस ऑफिसर ने नोटिस किया, इसकी तरफ आने लगा। पुलिस ऑफिसर आया, इसकी फोटो क्लिक करी सबसे पहले, तो फोन जेब में डाला और फिर पूछा क्या कर रहा है। हाथ में जॉइंट था, एक ड्रैग लिया, पुलिस वाले को ऑफर कर दिया। पुलिस वाला कह रहा है ये क्या हो रहा है, उसने ऐसे लिया, अब इसने पुलिस वाले की फोटो क्लिक कर ली। पुलिस वाला कह रहा है तो गांजा पी रहा है, ये कह रहा है आप गांजा बेच रहे हो। तू पी रहा है, मेरे पास फोटो है, सबूत है। कह रहा आप बेच रहे हो, मेरे पास फोटो है, सबूत है। तो ऑफिसर सबूत से सबूत तो कट चुका है। पर 4 साल के लिए आया हूं मैं, अब मेरे को अच्छी मेमोरीज बनानी है। ऐसा कॉलेज चाहिए जहां मेमोरीज बढ़िया बन सके। तो फिर मैंने गूगल पे टाइप किया था, मैंने कहा बैचलर डिग्री कोर्सेज विद लॉट्स ऑफ गर्ल्स। फिर गूगल ने सामने से बोला डिड यू मीन, करता ना गूगल, डिड यू मीन, गूगल ने कहा डिड यू मीन बैचलर डिग्री कोर्सेज वेयर जेंडर रेशियो इज ऑपोजिट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यस। तब गूगल ने सजेस्ट किया मुझे कि डिजाइनिंग का कोर्स आप कर लो, डिजाइनिंग की डिग्री कर लो। मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया था, इंटीरियर, जो गूगल ने कहा था मैकेनिकल का ऑपोजिट वही था यार। 50 स्टूडेंट थे क्लास में, सिर्फ 3 लौंडे, बाकी सारी लेस्बियंस। सबके बालों के रंग अलग अलग थे, ऐसे ऐसा लग रहा था किसी ने जेम्स का पैकेट फाड़ के फेंक दिया है। अपने नाम के बाद प्रोनाउंस बता रहे हैं वो लोग उस जमाने में यार। अचानक कहा आकांक्षा, माय प्रोनाउंस आर शी हो। वाह, ये तो पोएट्री हो गई। इरशाद कुछ भी आके कहा अनामिका, माय प्रोनाउंस आर दे देम। एक लड़का बिहार से आया था, कहा प्रज्वल, माय प्रोनाउंस आर हम माय। मुझे लगा ऐसे नाम के बाद 2 बड़े-बड़े शब्द बोलने होते हैं, यही होते हैं प्रोनाउंस। मेरे से पूछा किसी ने, हाय मोहित, माय प्रोनाउंस आर जजंतरम ममंतर। अरे इंप्रेस हो गए थे सारे यार। 3 लेस्बियन कन्वर्ट करके स्ट्रेट कर दी मैंने। एक लड़की आगे बोलती सिंदूर ले आई, मांग भर तू। मैं स्ट्रेट हूँ, चली जाए ऐसे। मैं लेस्बियन हूँ। मुझे नहीं पता था भाई ये, तो मैं तो बोल दूँ। बट जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू एग्री कि डिजाइनिंग जो है एक क्रिएटिव काम है, करते हो ना, होता भी है ये। पर जो मेरे कॉलेज से निकलते हैं वो नहीं कर पाते। फर्स्ट लेक्चर था, मैं तैयार था क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए पूरा तैयार। एक टीचर आई क्लास के अंदर, उसने व्हाइट बोर्ड पे लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ लाइंस। मैं कुछ तो क्रिएटिव होने वाला है, मुझे फील हो रहा है कुछ तो क्रिएटिव होने वाला है। वो मुड़ी, उसने कहा सो क्लास योर टुडेस टास्क इज यू गाइस हैव टू डिजाइन स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस। मतलब अच्छा समझ गया था, मैं समझ चुका था कि वो मेरे हाथ की महीनता को नापना चाहती है कि मैं बिना स्केल के कितनी सीधी लाइन खींच सकता हूँ। उसने कहा नो यू कैन यूज द रूलर स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस। मैं कहा ये बकचोदी का 1.5 लाख रुपए लोगे सेमेस्टर। मुझे एटलीस्ट समझ में आया, बगल में एक लड़की बैठी थी, उसने व्हाट इज शी आस्किंग। वो लाइन खींचना सिखा रहे हैं। वो तो मुझे आता है ऑलरेडी। उसने कोके गाली और मैं कहा ये लड़की सेफ नहीं लग रही है भाई। बिल्कुल भी। मैं कहा उठ के चलते हैं कहीं और जाके बैठते हैं। जैसे ही मैं उठने लगा उसने मेरी जांघ पकड़ ली, सिट डाउन। यू डोंट लीव अंटिल आई आस्क यू टू लीव।
करती है ना औरत साथ। मर्दों को बिना कंसेंट के कहीं भी टच कर, तभी तो मर्द सेफ नहीं है इस देश में। कोई कंसेंट, आपका कंसेंट लिया किसी ने? कोई, एक बार मैं सो रहा था, मेरी छाती के बालों में चोटी बना दी एक लड़की ने। कोई कंसेंट नहीं लेते। बैठा मैं वहीं चुपचाप, खींची मैंने स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस। अगले दिन वो टीचर फिर से आई, उसने कहा, सो योर टुडेज टास्क इज यू गाइस हैव टू डिजाइन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैंने कहा, मैम वो शीट अगर मैं पलट रही हूं। खींची हमने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस, कभी डायगोनल लाइंस खिंचवाती थी, कभी ऐसे सर्कल बनवा रही थी, कभी ऐसे स्क्वायर बना रहे हैं, कभी रेक्टेंगल बना रहे हैं, करते रहिए। सेमेस्टर खत्म हो गया, पूरे बैच ने टॉप कर लिया। कोई आके पूछा था टॉपर कौन है, हम सब खड़े हो गए, हम सब टॉपर, सब टॉपर थे, सिवाय उस एक लड़की के, वो बेचारी, उसका एक हाथ तो मेरी जांग पे ही था। वो नहीं कर पा रही थी, और वो भी सेकंड आई थी, छोटी बात नहीं होती। खत्म हुआ सेमेस्टर, खत्म हुआ। पता ये जब टीचर आती थी, ये कुछ आकार प्रकार कुछ बनवाती रहती थी, जितने भी बच्चे थे ना, जितने भी स्टूडेंट्स थे, हम ऐसा हमारा कंपटीशन होता था, जुआ खेलते थे कि आज ये क्या बनवाएगी। सब अपना अपना बना कर रखते थे, इसका सही होगा बस वो जीत गया, मिलेगा भी कुछ नहीं उसे, बस वो जीत गया। तो टीचर सेकंड सेमेस्टर था, वो आई, मैं कहा इसने अंडा नहीं बनाया, अंडा बनाएगी आज, मैं अंडा बना के रिलैक्स होके बैठ गया। टीचर आई, उसने व्हाइट बोर्ड पे लिखा मल्टीपर्पज किचन। मैंने कहा मैम वो आप सिंगल पर्पज सिखाना भूल गए। कहा नहीं, जो ये फर्स्ट सेमेस्टर था ना, उसको फाउंडेशन बोलते हैं, उसमें आपकी नींव रखती है, वो आप जो लाइने वाइने की, उससे आप क्रिएटिव हो चुके, आपको खुद नहीं पता, आप करो हो जाएगा। हमें खुद नहीं पता। मल्टीपर्पज एक शीट लेके आया, उसमें अंडा बना के बैठा हुआ है। बट बीइंग ए टॉपर, एक जिम्मेदारी तो होती है। तो उसी अंडे के इर्द गिर्द मैंने एक यू शेप की किचन बनाई। मैं ले गया मैम के पास, मैं कहा मैम मल्टीपर्पज किचन, कहती व्हाट इज दिस राउंड थिंग, मैं कहा मैम ये कमोड है। मैं यही बना के, एक सिंगल बेड रख दो यहाँ पे, 6x3 का 70 स्क्वायर फीट में 1 BHK निकाल दिया। ये कॉन्सेप्ट मुंबई में बहुत चलेगा यार, इतने बड़े घर नहीं होते। ये था, अचानक से आती डिजाइन, यूनिक बेडरूम, किसको चाहिए यूनिक, क्यों चाहिए यूनिक, क्या है बेडरूम, पलंग है, पंखा है, टीवी है, खत्म। अब यूनिक चाहिए, पलंग रखा, टीवी सीलिंग पे टांग, क्या है ये, मैम ऐसे लेट के देखेंगे। पंखा, मैं पंखा है दीवार। आप घर आना, आपको वहीं धक्का दूंगा। ये सब होता रहता था कॉलेज में भाई, कुछ मेरे कॉलेज में, बाकी अच्छे कॉलेजेस होंगे, मेरे वाले में तो भाई कुछ नहीं था। मैं तो परेशान ही हो गया था यार। मैं तो एक दिन जाके प्रिंसिपल को बोला कि मैम मैं जा रहा हूँ, मेरा हिसाब कर दो आप। पनवाड़ी नहीं हूँ तेरी, भाग जाने तो ठीक है। ये कॉलेज ना हमसे शुरू हुआ था, हम फर्स्ट बैच थे। किसी ने रूमर फैला दिया कि फूक के क्रिएटिव हो जाओगे। तो है यहाँ पे जो फूकता है, स्टोनर्स है, मेक सम नॉइस, रेज योर हैंड्स। नहीं ना, कोई नहीं करता। हर शो में पूछता हूँ, कोई हाथ नहीं खड़ा करता।
आधे घंटे बाद एक रैंडम लौंडा कुछ कह रहे थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में फूक रहे थे, बहुत कम थे ऐसे जो बेच रहे थे। तो ये अगली कहानी उसी की है, रजत नाम था उसका, रज्जो बोलते थे उसे। रजत से मेरी पहली मुलाकात भी ऐसे ही हुई थी, क्योंकि सब फूक रहे थे, मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए। तो मैं गया रजत के पास, मैंने रजत को बोला, मैं कहा भाई स्टफ होगा तुम्हारे पास। ये बोलने से पहले तुम्हारे पैर नहीं कांपे, मुझसे हम पूछ रहे हो माल होगा मेरे पास, मेरी जेब में हमेशा उतना माल रहता है, अकेला नाचू तो लोग कहते हैं रेव पार्टी हो रही है। मेरी जेब में हमेशा उतने जॉइंट का माल मिल जाएगा जितने इस देश में स्टेट्स है। मैंने पूछा कितने स्टेट्स हैं भाई? जेब में हाथ डाला है, वो माल की पुड़िया निकाली और देख के बोलता है, मैं फिलहाल तो 5 है। रात को स्कोर करूंगा 100 हो जाएंगे, ठीक है। रोज एकदम डार्क लाल आंखें लेके कॉलेज आ जा रहे हैं। टीचर पूछ रही, यू आईज आर रेड, मस्कीटो बाइट। दोनों आंखें लाल हैं, टू बाइट। ऐसी अजीब और गरीब अलग दुनिया होती है इन लोगों की, कोई क्रिएटिव नहीं, कॉमन सेंस पता नहीं कहाँ चला जाता है। जैसे एक टीचर था, वो ना 3 दिन नहीं आया था, 3 दिन बाद आया, तो स्टूडेंट्स ने पूछा सर आप कहाँ थे, तो टीचर ने कहा अरे मेरी वाइफ की डिलीवरी थी। तो हम सब ने कंग्रेचुलेट किया, ये पीछे बैठ के अकेला, वाइफ की डिलीवरी, अमेजोन से वाइफ मंगवाई है। मुझसे अमेजोन से वाइफ भी आती है? सही बता, वाइफ आ जाती है, सही है, गर्लफ्रेंड मिल जाए, हाँ सही है। 3 दिन क्यों लगे उनको फिर? मैंने कहा एक्चुअली वो सर का यूट्यूब चैनल है, तो वाइफ की अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे थे। पूरा शूट करते हैं, हाँ सही बता। मुझे लगा सरकाज़म समझ जाएगा, नहीं सस्पेंड हुआ 3 दिन के लिए, लिंक मांग लिया जाके। सर का बोला सर हमें भी तो दिखाओ, क्या अरे वाइफ की डिलीवरी वीडियो तो हो गई आपके पास, दिखा दो यार क्या हो गया, क्या मारने क्यों मारे हो। 3 दिन के लिए सस्पेंड हुआ था, घर पे पता नहीं रहा कि सस्पेंड हूँ, रोज कॉलेज आ रहा है, कॉलेज के बाहर फूक रहा है। प्रिंसिपल गाड़ी से निकल रही थी, देख लिया इसको प्रिंसिपल, मुझे लगा डांटेगी कुछ करेगी, इसके पेरेंट्स को फोन करेगी। प्रिंसिपल ने पता क्या किया, शीशा नीचे किया, उसको देखा ऐसे और देख के ऐसे किया इसके सामने। दोस्तों इससे खौफनाक कोई धमकी नहीं होती है, एग्जाम्पल दूं आपको भाई साहब। इनका मूत निकाल दिया मैंने। इनका नहीं सबका निकलता, मैं मिरर के सामने करता हूं मेरा खुद का निकल जाता है, इसमें है कुछ बात। पर ये उन लोगों के लिए जिनको समाज की थोड़ी समझ हो, क्यों के लिए नहीं है धमकी। प्रिंसिपल ये करके गई, मैं कहा भाई धमकी दी तुझे, कब दी? मैंने कहा ये किया ना प्रिंसिपल ने, ये धमकी होती। तुझे क्या लगा? नहीं मुझे लगा प्रिंसिपल बोल के गई है मेरी भी दिमाग है तेरी भी दिमाग। नहीं ये रैंडम बात तुझे को क्यों बोल के जाएगा? फूक रहा है सड़क पे, उड़ रहा है, ट्रैफिक है, आवाजाही है, फूक रहा है, ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर ने नोटिस किया, इसकी तरफ आने लगा। मैंने कहा पुलिस आ रही भाई, भागते हैं यहाँ से। कहता है टेंशन मत ले भाई,
इसके पास वारंट थोड़ी है। मैंने कहा वारंट की नीड आ रहा है, पढ़ती है भाई, वारंट बिना कुछ नहीं, इनके हाथ बंधे रहते, टेंशन मत ले। पुलिस ऑफिसर आया, इसकी फोटो क्लिक करी सबसे पहले, तो फोन जेब में डाला और फिर पूछा क्या कर रहा है। हाथ में जॉइंट था, एक ड्रैग लिया, पुलिस वाले को ऑफर कर दिया। पुलिस वाला कह रहा ये क्या हो रहा है, उसने ऐसे लिया, अब इसने पुलिस वाले की फोटो क्लिक कर ली। पुलिस वाला कह रहा है तो गांजा पी रहा है, ये कह रहा है आप गांजा बेच रहे हो। कत्तू पी रहा है, मेरे पास फोटो है, सबूत है। कह रहा आप बेच रहे हो, मेरे पास फोटो है, सबूत है। तो ऑफिसर सबूत से सबूत तो कट चुका है, अब एक और चीज आपको चाहिए होती है एक्शन लेने के लिए, वो है एक वारंट। वारंट नहीं है आपके पास, मैं जानता हूँ आपके पास नहीं, आपकी शक्ल पे लिखा आपके पास वारंट नहीं है। जिनके पास वारंट होता है ना उनके अंदर एटीट्यूड अलग होता है, आप में वो बात नहीं है। वारंट नहीं है आपके पास और आपके हाथ बंधे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुत्ते की तरह मारा इसे। और फिर जीप में डाला और फिर थाने ले गए। मैं थाने पहुंचा तो वहां मुर्गा बना हुआ था। मैं गया इसके पास, मैंने कहा भाई ये जो हुआ है अभी, इससे तुझे क्या सीख मिली? कहता भाई कर सकते बिना वारंट के। वारंट की नीड नहीं होती, सीआईडी में झूठ दिखाते हैं। मेरी जितनी पॉकेट मनी थी ना वो देनी पड़ी मुझे इसकी बेल के लिए, बेल थी जो भी था। उसके बाद फाइनली इसे निकाला वहां से, एंड मुझे लगा यार अब तो ये बेहतर इंसान बन जाएगा, देखो अब यार जो हुआ है इसके साथ, अब तो एक जिंदगी, नई जिंदगी शुरू हो रही है इसकी। नहीं, जैसे हम घर पहुंचे मैंने कहा तूने मेरा 2000 का नुकसान करा दिया। कहता टेंशन मत ले, मैं 2 बंदूक चुरा के लाया हूं। क्यों? कहता जॉइंट जलाऊंगा मैं, अब तो पास। क्या करूं, लेकिन इसी के साथ रहना पड़ता था मुझे। 3 लौंडे थे, एक प्रज्वल था अपना, हम मैं वो आ नहीं रहा कॉलेज। वो एक दिन आया बस, फाउंडेशन के फर्स्ट डे आया, उसके बाद वो गायब, वो आ ही नहीं रहा। उसके बाद कॉलेज इसी के साथ रहना पड़ रहा है, ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, बस यही है जो है। और सबसे बड़ा पता नुकसान क्या था इस कॉलेज का, वो ये था कि 3 लौंडे थे, अब 3 के लिए तो कोई बॉयज हॉस्टल नहीं बनाएगा, जगह छोड़ रखी थी उन्होंने, यहाँ बनाएंगे जब ज्यादा लौंडे आएंगे, अभी तो नहीं है। तो उन्होंने पता क्या, बगल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से टाई अप कर लिया था, क्या हमारा लौंडा रख लो कुछ दिन के लिए, इस फ्लावर को फायर बना दो, फिर दे देना वापस, दे देना हमको, हमारा काम शुरू कर रहे हैं, ठेकेदार मिल नहीं रहा है। हॉस्टल में कौन कौन रहा है, खड़े करो बात, कांड किया ना सबने, ये है ना कांड, ये करते हैं ये लोग। मैं तो नहीं कर, मैं तो चुई मुई सा डिजाइनिंग स्टूडेंट, मैं कुछ नहीं करता था भाई, मैं तो शरीफ। मेरे को तो पहली रात, काली रात, इतना डरावा घबराया हुआ मैं, बस मेरी रैगिंग ना हो या मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। रात के 9 बजे तक कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा आज मैं सर्वाइव कर गया, लेकिन अचानक से रात को 9 बजे दरवाजा खुला और डिसेंडिंग ऑर्डर में लड़के अंदर आने लगे, एक के बाद एक आए जा रहे। पर जो लास्ट में आया उससे भयानक और बड़ी चीज मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। बहुत बड़ा था वो, विशाल का है, ह्यूमंगस, दरवाजे की हाइट 8 फीट थी, उसमें ऐसे निकला है वो। वो सामने आके बैठा, बाकी सारे लौंडे छुप गए, इतना बड़ा मैंने कभी, भाई साहब आप उसकी तरफ तेजी से भागोगे उसके नाभि में आपका मुंह फंस जाएगा। बहुत बड़ा भाई वो, एक बार वो तालाब में गिरा डैम बन गया। इस देश में कुछ लोग चौड़े होते ना, हमारा 56 इंच का सीना है ना, कुछ लोग उसका 56 इंच निप्पल टू निप्पल।
और छाती कमाओ 250 पार है उस आदमी की। वो मेरे सामने आके बैठा, उसने जेब में हाथ डाला, उसने क्या एक लेटर निकाला, मेरे हाथ में रख दिया। मैंने उसे खोला, उसमें लिखा था आई लव यू अपूर्वा। मैंने कहा ये क्या है, मैं अपूर्वा नहीं हूँ। तेरे तेरे बैच में है तो उसे ये दे करा। मैंने कहा सुनो मेरी बात, आप खुद क्यों नहीं देते? कहता मैं दूंगा तो वो थप्पड़ मार देगी। मैंने कहा मैं दूंगा तो मुझे भी तो मार देगी। कहता नहीं देगा तो मैं मार दूंगा। मैं उसी वक्त ही कराया। मैंने कहा ज्यादा लंबा नहीं खींचते इसको। उसने मारा, थप्पड़ मारा, उसका मोर पंख जैसा थप्पड़ था, कोई दिक्कत नहीं, झेल लिया मैंने। अगर इसका सरिया लग जाता मुंह पे, ये नहीं झेल पाता मैं। तो मैं यही करता था, इसके लेटर्स यहां से वहां करता, थप्पड़े खाता। लेकिन धीरे धीरे मेरी और राक्षस, राक्षस नाम था इसका, किसी को डाउट ना हो, राक्षस ही नाम था, आधार कार्ड में राक्षस था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब यार हॉस्टल में जाके मेमोरीज बनना बहुत जरूरी होती है ना यार, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या बताऊंगा? मुझसे पूछेंगे दादाजी आपका हॉस्टल लाइफ कैसी थी? बेटा ताल था मैं। लेटर्स यहां से वहां करता था, यही इज्जत, ये लाइफ थोड़ी चाहिए थी मुझे यार। मैं चाह रहा था मेरा भी कोई कांड हो यार, एक मेमोरी बने, हमेशा याद रहे, ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊं, मजा आए। मिला मुझे मौका, मिला 12 जुलाई 2012। मैं दोपहर के 3 बजे अपने हॉस्टल के रूम में बैठा हुआ था, मेरे पास रजत था, ओजी रजत का फोन आया मेरे पास। उसने कहा भाई कांड हो गया, 50 बंदे चाहिए, मैं आपका फोन रख, फोन रख, फोन रख, मैं ला रहा हूं। मैंने नहीं पूछा कहाँ चाहिए, और मैंने नहीं पूछा क्यों चाहिए। मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, ग्रैब कर लेते हैं, ये अपने साथ रहनी चाहिए। अब 50 बंदे चाहिए, हॉस्टल में 800 लौंडे थे, मैं इतने लेटर्स मैंने यहाँ से वहाँ किए, 50 तो मान ही जाएंगे। तो मैं कैसे डिसाइड हो कि इन 800 में से 50 कौन होंगे खुश नसीब? तो फिर मैंने ऑडिशन लिए के मैंने 50 लौंडे सेलेक्ट किए, ठीक है 50 लौंडे सेलेक्ट हो गए, उनको अब मैंने ग्राउंड में इकट्ठा कर दिया। मुझे लगा यार तैयार तो हैं ये, लेकिन एक बींग अ लीडर मुझे इन्हें मोटिवेट तो करना चाहिए, मोटिवेशन तो बनता है। उनको खड़ा किया मैंने, कहा मैं कहा साथियों, ये जो डर है तुम्हारी आंखों में, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं जानता हूं तुम इस लड़ाई में शरीक नहीं होना चाहते, क्योंकि तुम्हें डर है तुम ये लड़ाई हार जाओगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं तजुर्बे से, अगर इस लड़ाई में शरीक होगे तो शायद तुम जीत जाओ, शायद तुम हार जाओ, लेकिन अगर लड़ाई में शरीक ही नहीं होते फिर तो तुम उसी वक्त हार जाओगे, और बगैर कोशिश किए हार जाए, ऐसी परवरिश तो नहीं दी है तुम्हें। तभी उनको चीरता हुआ राक्षस निकल कर आया, सामने आके खड़ा हुआ, सारे लौंडे छुप गए, मेरे परवरिश। अगर भाई रुकी मिस्टेक सारी, कहते हम मोटिवेटेड थे, दोबारा मत करना है। अरे ठीक है, रिलैक्स, बढ़िया। कहते ठीक है चलो अब निकलते हैं आगे। मैं कहा चलो चलो। कहते चलो। मैं कहा चलो। कहते चलो। मैं कहा चलो चलो। कहा चल दो। मैं कहा चल रहा हूँ, आप चलो पहले। कहा मैं पहले क्यों चलूँ? मैं कहा आप बड़े हो, हम सब छुपेंगे आपके पीछे। कहता नहीं तुम चलो। मैं कहा मैं नहीं, आप चलो। कर क्या रहा है तू? मैं कहा भाई राक्षस वो एंथुसियाज्म में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट रह गया। मैं कहा वो लड़ाई कहाँ है, क्यों है, वो थोड़ा आइडिया नहीं है मुझे। राक्षस ने कहा पता कर वरना कांड यही है मुझे। मैं भागा, मैंने तुरंत रजत को फोन किया। मैं कहा रजत ये तो बता बात क्या हुई है? कहता भाई प्रज्वल ने थप्पड़ मार दिया मुझे। मैं कहा प्रज्वल कौन? हम मैं। मैं कहा वो तो कॉलेज नहीं आता। कहा आज आया है, आते ही मार दिया। मैंने कहा तो टेंशन मत ले, बदला लिया जाएगा, फोन रख दो। मैंने फोन रखा, मैं अपने नॉन्डो के पास गया, मैंने उनको बोला मैं साथियों
ये जो कांड है ये मेरे कॉलेज के बाहर हुआ है, तो चलो चलते हैं। तो अब 50 लौंडे हॉस्टल से निकले मेरे कॉलेज की तरफ। कॉलेज पहुंचे, वहां कोई नहीं था। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, प्रज्वल के बंदे अभी आते ही होंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे हल्की सी से भगदड़ सी सुनाई थी पीछे, मैं समझ चुका था कि प्रज्वल के बंदे आ चुके हैं। जितना बड़ा हमारा ग्रुप था उतना ही बड़ा ग्रुप स्लोली स्लोली आ रहा है। मैंने अपने वालों को बोला, मैं साथियों मैं जा रहा हूँ उनके लीडर से बात करने। बातचीत के दौरान मैं तुम्हें एक सिग्नल दूंगा, जैसे ही वो सिग्नल मिले तुम लोग अटैक कर देना। तो किसी ने पूछा सिग्नल क्या होगा, मैं सिग्नल ये होगा कि वो थप्पड़ मारेंगे मुझे और मैं जमीन पर गिर जाऊंगा और रोऊंगा, तुम लोग आके बचा लेना। तो ठीक है, मैं मुड़ा, मैंने चलना शुरू किया, मैं पहुंचा, मैं तुम्हारा लीडर जो भी है सामने आ जाए। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रज्वल आएगा या प्रज्वल का कोई दोस्त आएगा, जैसे मैं आया हूँ रजत की तरफ से। तो उनका जो लीडर था वो स्लो था, वो धीरे धीरे चल के आया, मेरे सामने आके खड़ा हुआ और मैंने उसके मुंह पे थूक दिया। पता है रजत के खिलाफ और प्रज्वल की साइड से लड़ने कौन आया है? रजत खुद। क्या कर रहा है तू, कौन है बंदे? कहता ये बैकअप है। मैं किसका बैकअप? का इनकेस तू नहीं ला पाता तो ये। अब मैं गबरू लेकर आया हूँ सारे, ये लाया गंजेड़ी 50। सब ऐसे पागल आपस में टकरा रहे हैं, ऐसे झटके जलेबी खा रहे हैं बीच में। मैं ये कैसे लड़ेंगे, मैं लाया तो हूँ बंदे। उसने कहा टेंशन मत ले, जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़िया है। मैं कहा प्रज्वल है कहाँ? कहता योगा साला थप्पड़ मारा है उसने मुझे, बदला लिया जाएगा। मैं कहा बिल्कुल बदला लेंगे, प्रज्वल है कहाँ और उसके बंदे कहाँ हैं? कहा उसके बंदे आता ही होंगे साले। समझता क्या अपने आप को ये प्रज्वल, जस्ट बिकॉज कमिश्नर का बेटा है किसी पे भी हाथ उठा देगा। किसका किसका बेटा है? कमिश्नर का बेटा है सर। समझता क्या है मतलब? कहाँ वही समझता क्या है? मैं जो भी समझता है भाई वो आई थिंक ठीक ही समझता है। तू पागल है क्या? प्रज्वल की तरफ से लड़ने कौन आएगा? कहा भाई यही पुलिस वाले हवलदार। मैं कहा भाई वो मार मार के भूत बना देंगे हमारा। कहता टेंशन मत ले, उनके पास वारंट नहीं है। मैं कहा बंदूक है उनके पास। का बंदूक तो मेरे पास ही है। मैं उसे बोल रहा हूं, मैं कहा भाई सुन मेरी बात, प्रज्वल अभी बहुत आगे निकल चुका है, अभी हम उससे नहीं बदला ले सकते भाई, वो कमिश्नर का बेटा है, तो समझ मेरी बात। और मैं कहा इनको भी पता नहीं है कि ये, इनको भी तो पता होना चाहिए। खैर तू इनसे बात करके देख। तो मैंने सबको खड़ा किया, 50 गंजेड़ी 50 गबरू। मैंने उनको बोला, मैं कहा साथियों एक बात आपको बताना रह गई थी, ये जो प्रज्वल है ये कमिश्नर का बेटा है, तो मैं आंखें बंद करके दस्तक गिनूंगा, आप लोगों में से जो रहना चाहे वो रह जाएगा, जो जाना चाहे नो हार्ड फीलिंग्स, जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैंने आंखें बंद करी, मैंने कहा वन। रजत ने बोला भाई सब गए। मैं गायब कैसे हो गए यार? फिर मैंने रजत को बोला, मैं कहा रजत कोई बात नहीं यार, आज हमारे पास पावर नहीं है, एक वक्त आएगा जब हमारे पास पावर आएगी तब हम बदला लेंगे। कहता हम IPS ऑफिसर बन जाएंगे। मैं कहा भाई ड्रॉइंग में बैक है हमारी वो। नहीं, एक फुलझड़ी फेंक के भाग जाएंगे उसके घर में, वो बाद में डिसाइड करेंगे, फिलहाल मैटर को यहीं सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगा इस लड़ाई का सुखद अंत हो चुका है, एक मेमोरी बन चुकी है, सुना दूंगा यही अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मैंने देखा ये ग्रहण अभी तक क्यों नहीं हटा है, फिर देखा राक्षस वहीं खड़ा है। वो बड़ा बहुत था ना, उस तक आवाज नहीं पहुंची होगी। मैंने राक्षस को बोला, मैं कहा भाई आप मुझे गोदी में ले लो, आपको एक बात बताइए। उसने से मुझे उठाया, बोल। मैं कहा भाई आज कांड कैंसिल करना पड़ेगा। कहता नहीं अब मैं आया हूँ तो किसी को तो मार के जाऊंगा। एक तो आपकी फेटिश क्या है ये? मैं कहा नहीं एक्चुअली
वो जो प्रज्वल है उसको हम नहीं मार सकते। उसने कहा नहीं मैं तो मारूंगा प्रज्वल को। मैं कहा प्रज्वल कमिश्नर का बेटा है हम नहीं मार सकते। कहता मैं कमिश्नर भी पेल दूंगा आज तो। मैं कहा नहीं हम प्रज्वल और कमिश्नर दोनों को कुछ नहीं करेंगे। कहा फिर तो साले तू पिटेगा। और मुझे गोदी से छोड़ दिया। गिरे हो कभी आप सेवंथ फ्लोर से? गिरा मेरे खरोचे आ गई। रजत आया मेरे पास का क्या ये कौन है ये? मैं कहा ये राक्षस भाई है। कि क्या कह रहा है ये? कह रहे हैं कि आया हूं तो किसी को मार के जाऊंगा। ये हमारा रजत राक्षस के पास गया। ओए सुनो ए ओए चला जाना क्या है चल चल निकल ए चले चल ए चल चल गया नहीं अब तक तू अबे जा। राक्षस कह रहा ये कौन है भाई? मैं कहा भाई ये रजत है इसका ही कुछ कांड हुआ था का इसको यूज कर लूं थोड़ी देर। ऑल योर्स भाई। उसने ऐसे उठा लिया। क्या कह रहा था? कहता भैया सॉरी भैया। उसने ऐसे नीचे रखा उसको और भाई बस आवाजें आ रही हैं पता नहीं क्या कर रहा है इसके साथ। अब यार एक ही दोस्त था मेरा, दोस्त कैसा भी हो तुम्हारा यार, अगर वो परेशान होता ना दिल बहुत दुखता है। मैं परेशान खड़ा हूँ वहाँ पे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। मेरे बगल में एक लड़का और आके खड़ा हो गया। मैं अब तू कौन है? कहा प्रज्वल। मैं थप्पड़ क्यों मारा ऐसे? कहता अरे हम बिहार गए थे, हम आए तो हमसे पूछा कि कहाँ थे, तो हमने कहा हमारे सिस्टर की डिलीवरी थी तो। लिंक मांग रहा था वीडियो। मैं कहा यार बनता तो है इसका। डार्क शेड्स आके रखने के लिए, एक दोस्त गाली बकने के लिए, बड़ी जिंदगी हो एज भले शॉर्ट, उसमें जेबे भरी हो फुल भरा हो पॉट, उसमें सपनों का पैकेट पल को से खोलो, और फकीर को क्या चाहिए तुम बोलो।